गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिख रही है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सीए फाइनल में नवंबर दो सीए फाइनल मई 2012 का क्वेश्चन नंबर 7C है। अ रिफ्रेशमेंट सेंटर इन अ इज अ रेलवे स्टेशन इन अ रेलवे स्टेशन कर दें, इज अ नहीं होगा, इन अ रेलवे स्टेशन करें, टाइपिंग एरर है। इन अ रेलवे स्टेशन हैज टू काउंटर्स, वन इज सेल्फ सर्विस, सेकेंड इज अटेंडेंट सर्विस। बोथ काउंटर कैन सर्व वन परसेंट एट ए टाइम। द अराइवल रेट्स, इन्होंने ये प्रॉबिलिटी दे रखी है। फॉर्मुलेट द एसोसिएट इंटरवल, तो जो एसोसिएट इंटरवल का है, इसका मतलब हम रेंडम नंबर रेंज आपसे बनाना चाहते हैं। एक बनाना है टाइप ऑफ सर्विस के लिए, दूसरा बनाना है हमें अराइवल रेट के लिए। तो आप जानते हैं चार नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएटेड इंटरवल ऑफ रेंडम नंबर रेंज फॉर टाइप ऑफ सर्विस। सही है, सिंपल है, हमें पता है दो तरीके की सर्विस है। यहां पर लिखेंगे हम टाइप ऑफ सर्विस, दो तरीके की सर्विस है, एक सेल्फ और एक अटेंडेंट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है सेल्फ की वो इतनी है, तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारी, और इससे हमारी रैंडम नंबर्स इंटरवल निकल आएंगे, या रेंज जो हमने टेक्निकल वर्ड है हमारा वो लिख देंगे हम। ठीक है, दूसरा हमें स्टेटमेंट बनाना है किसके लिए, अराइवल रेट के लिए। तो एसोसिएटेड इंटरवल ऑफ रैंडम नंबर अराइवल के लिए बनाएंगे हम जल्दी से। यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ अराइवल, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और इसमें रैंडम नंबर्स इंटरवल 0, 1, 2, 3, 4 प्रोबेबिलिटी है, 0.2, 0.1, 0.35, 0.30, 0.05, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बस आ भर जाएं। समझिए 5 मिनट नहीं लगते हैं, लेकिन हमें समझ भी तो आना चाहिए करना क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये एसोसिएटेड इंटरवल पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है जो दो डिजिट की रैंडम नंबर्स हैं कौन सी एलोकेट हो। ठीक है, थैंक यू।